अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आपदा परवीन व्लॉग्स। तो आज हम बनाएंगे जनाब जी चिकन कोरमा। लेट्स देखते हैं जनाब, सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। पैन में मैंने डाला है ऑयल और ऑयल में हम ये प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल देते हैं। प्याज को मैंने सोते करना है, ब्राउन नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन कोरमा देसी तरीके से। फैंसी तरीके से बनाओ तो फिर बड़े शशके होते हैं फैंसी तरीके के, जनाब जी ये चीज़ ले आओ, वो ले आओ, इसको ग्राइंड कर लो, इसको ये कर लो, वो कर लो, तो वो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। मैंने तो आपको क्विक रेसिपीज़ सिखानी है, तो वो ये है, सीखनी भी है बल्कि आप लोगों से। फिर ये है कि मैं इसको सोते करूँगी, सोते करके फिर मैं इसमें चिकन वगैरह डाल दूँगी, स्पाइसेस डाल दूँगी और वो, क्योंकि हम जल्दी जल्दी देसी तरीके से खाना जल्दी बन जाता है और बच्चे भी खा लेते हैं शौक से, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। फटाफट कम करो, जान छिड़ाओ तो बहो, है ना, बहना बड़ा मुश्किल काम। मैं ये कोई मिलता है कहीं से ना ली ना, फारिग रहना बड़ा मुश्किल काम है जनाब, ये नहीं मिलता, ये बड़ी वो कहते हैं ना मुश्किल जॉब है, ये आसानी से नहीं मिलती। ये देखो जब इस तरह का हो जाए प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है हल्दी है, सुरख मिर्चा, नमक, और मेरा ख़त्म हो गया था ज़ीरा और खुश्क धनिया का जो मैंने दादर सा बनाया हुआ था। तो अब इंशाल्लाह वेले तो नहीं ना हो जाना काम, तो एक निकल गया। और ये हैं टमाटो, टमाटो मैंने हाफ हाफ इसलिए डाले कि ना इसका भी एक जादू है। चलो ये जादू मैं आपको बाद में बताती हूँ। चलो जी चेक करते हैं, ये देखो जी इस तरह हो गया। अब आ गई है जनाब जादू की बारी, जादू देखने की। ये जादू है जी, ये जादू है, ओए हाय ये जादू है। ठीक है, ये मैं निकाल लेती होती हूँ, तो ये आराम से आप फिर इनको छिलके निकाल लो और फिर टमाटर जो है उनको मैश कर लो। जब इस तरह का हो जाए ना आपका इसका सारा मटेरियल, तो फिर आप इसमें चिकन डाल, ये है हमारा चिकन, इसमें ओ ज़्यादा जोश हो गया, ज़्यादा ज़ोर से ला दिया है ना। हांडी कहनी बाजी की हो गया तानू, अजे तो रोटी खानी है, अजे तो रोटी खानी है। इस तरह कहले हांडी पकानी हो तो मौत पड़ती है, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी बातें सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मेरी वीडियोस को देख रहे हो और मुझे रिस्पांस भी दोगे, तो इसलिए ना मुझे सच्ची जिस दिन से मैंने ये कुकिंग का शुरू किया हुआ आप लोगों के साथ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना खाना बनाना पकाना, ऑब्वियसली खाना भी है ना। अब हम इसको ना कवर कर देंगे, ठीक है, और आपने इसको चेक करते रहना है। ये ना हो बाजी ने क्या सी कवर कर दी, असी कवर करता तो बाद च सड़ गया, हा हा है कि हो गया, नहीं जनाब जी चेक भी करना आपने के हिलाते भी रहना है। तो कैसा हो रहा है हमारा चिकन का काम, ठीक है जनाब जी सही है। अभी इसको और टाइम चाहिए, ठीक है, अभी ये देखो इस स्टेज पे ना ये डालना है, लौंग है 5-6 और दालचीनी है, एक बड़ी इलायची है और बादियान के फूल हैं। इससे ही मज़ा आना है कोरमे का, ये देखिए कोरमे का टेस्ट इस बनाता है ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इस स्टेज पे ना
थोड़ा सा पानी और डालें और इसको ना फिर पकाएं। ज़रा चिकन ना टेंडर हो जाए, फिर इसको कवर कर देते हैं। ये देखो जी, पानी थोड़ा सा डाला मैंने, तो डाल के ना इसको दोबारा भूनना है। भून के फिर ये इस तरह का ना टेक्सचर हो जाएगा। ये देखो, भला ज़रूरत है किसी ग्राइंड करने की मसाले को या इस तरह करने की? एवं काम बढ़ाते रहो अपना, पहले उसको ग्राइंड करो मसाले को, फिर वो ग्राइंडर धो, फिर इस तरह काम करो। हैं तो ये देखो इस तरह पकाओ। इस तरह से करें गार्निशिंग और इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।